प्रश्न नंबर एक कह रहा है, अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों की चार उदाहरण दीजिए। तो देखते हैं रेल की जो पटरी होती है, रेल की पटरियां, तो रेल की जो पटरियां होती हैं वो समांतर होती हैं। क्या होती हैं हमारी? समांतर होती हैं, क्योंकि यह रेल की पटरी में कहीं ऐसी जगह नहीं होती जहां पर उनकी डिस्टेंस में कुछ दूरी अलग अलग हो। फिर है हमारा किताब। किताब में अगर किनारे लिए जाएं तो एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये किताब ही मान लेते हैं, तो अगर ये रेखा और ये रेखा तो एक दूसरे के समान अंतर होता है, या ये रेखा मान लिया, ये रेखा, ये भी एक दूसरे के समांतर होती हैं। फिर देखते हैं किताब के बाद मान लेते हैं पटरी, स्केल, ये जो पटरी होती है जिससे हम दूरी नापते हैं। फिर विद्युत की लाइनें, जो बिजली की लाइनें होती हैं, बिजली की लाइन। फिर क्वेश्चन नंबर दो, चित्र में यल और यम दो समांतर रेखाएं, यल और यम क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं। ए बी और सी डी इनके बीच की लंबवत दूरी, ए बी और सी डी इनके बीच की लंबवत दूरी है। यदि ए बी बराबर 3 तो सी डी की लंबाई, यानी सी डी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो सी डी भी 3 सेंटीमीटर होगा। अगर ए बी ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये हमारे समांतर होने का प्रतिबंध है। देखिए क्या है, जब कोई रेखा यानी ए बी और ये सी डी रेखा यम पर परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, तो जब लंबवत होती तो एक दूसरे के समांतर होती हैं और समान होंगी। चित्र में आयत ए बी सी डी के नाम लिखे गए हैं, चित्र में आयत ए बी सी डी के नाम लिखे गए हैं। क्या ए बी समांतर है सी डी के? ये जो ए बी रेखा है, ए बी समांतर है सी डी के? हाँ, लिखेंगे हाँ। और फिर कह रहा कारण, कारण ये है, देखिए ये मान ले अगर बीसी को आधार रेखा मान ले, तो बीसी रेखा पर ए बी और सी डी परस्पर लंब है, परस्पर लंब 90 अंश के हैं, तो ये हमारी समांतर रेखा होंगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी और सी डी रेखा परस्पर लंब है, परस्पर लंब है, चाहे बीसी पर मान ले या ए डी पर मान ले, बीसी या ए डी पर लंब, बी सी या ए डी दोनों पर लंब है, दोनों पर लंब है, इसलिए ये समांतर रेखा है। इसी प्रकार हम सेकेंड वाला भी इसी प्रकार कहेंगे, क्या है, क्या ए डी यानी ये ए डी और बी सी समांतर है? हाँ, देखिए कैसे, अगर इसको हम आधार मान लें तो आधार पर ये परस्पर हमारा लंब है यानी 90 अंश, तो लिख देंगे ए डी समांतर बी सी है, क्योंकि ए डी बी सी ए बी पर लंब है, ए बी पर परस्पर लंब है, परस्पर लंब होने के कारण समांतर, लंब होने के कारण समांतर है। अभ्यास 9A द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।